वेलकम बैक दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आशीष ऑटो डायरीज में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो क्षमा चाहूँगा, काफ़ी समय से कुछ वीडियो नहीं आ पा रही हैं व्यस्तों ने कारण, तो आगे रेगुलर आपको वीडियो मिलती रहेंगी दोस्तों। तो दोस्तों, आज पांच ऐसी हैबिट्स की बात करेंगे जिसकी वजह से हमारे जो कार के टायर्स हैं उनकी लाइफ कम हो रही है। तो अगर आप ये पांच हैबिट्स अपनी जो मैं बताऊंगा डेवलप कर लेते हैं, तो आप अपने टायर को 2 से 3 गुना ज़्यादा चला पाएंगे और 30 से 40% कम घिसेंगे आपके टायर। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, हमारे जो कार के टायर्स हैं वो हमारे कार के मुख्य कंपोनेंट हैं, और टायर्स के बिना एक कार की कल्पना नहीं की जा सकती। तो आप अपनी कार को ऊपर से कितना भी चमका लीजिए, कितनी भी मॉडिफाइड करा लीजिए, लेकिन अगर आपके कार के टायर्स की हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपको इस बारे में सोचना चाहिए। तो आइए इसी पर आज बात करेंगे। तो दोस्तों, जो सबसे पहली हैबिट है वो है कि अगर जैसे कि आप अपनी गाड़ी को चलाते हैं और अपने गाड़ी का एयर प्रेशर आप चेक नहीं करते हैं, आपकी गाड़ी का एयर प्रेशर अगर कम रहता है आप या ज़्यादा रहता है उसके बाद भी आप अपनी गाड़ी को चलाते हैं, तो आपको अपनी हैबिट में डालना है कि वीकली आप अपनी गाड़ी का एयर प्रेशर चेक कीजिए, 30 या 35, ये नॉर्मल आपको रखना है। विंटर में कम चल सकता है थोड़ा, लेकिन जो गर्मियों में आपको जो है 30 या 35 रखना ही रखना है। तो आप एक अपनी हैबिट में डाल लीजिए कि आप जब भी अपनी कार निकालेंगे तो सबसे पहले अपने कार के जो टायर हैं उनको प्रेशर चेक करेंगे। तो वीकली इस चीज़ को अगर आप करेंगे तो आप पाएंगे आपके जो टायर हैं वो आप 30 से 40% ज़्यादा चला पाएंगे और जल्दी आपके टायर जो हैं वो रिड्यूस नहीं होंगे। तो दोस्तों, समय समय पर एयर प्रेशर तो आप चेक करते ही हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी कार के अंदर जो हवा डलवा रहे हैं वो नाइट्रोजन डलवाएं, तो आपका जो कार के जो टायर्स हैं उनके लिए वो अच्छी रहेगी। ज़्यादा हर जगह अवेलेबल नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए, आप किसी भी सर्विस स्टेशन पर जाते हैं या कहीं पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो आप नाइट्रोजन डलवाएं इसके अंदर, तो आपके जो कार के टायर्स हैं उनकी हेल्थ ज़्यादा बेटर रहेगी। दोस्तों, बात करते हैं दूसरी गलत आदत जिसकी वजह से आपकी जो कार के जो टायर हैं उनकी लाइफ कम हो रही है। अगर आप बेवजह अपनी गाड़ी को भगाते हैं, अनाप शनाप चलाते हैं, तो आपके जो कार के टायर हैं वो जल्दी बर्नआउट होंगे, जल्दी घिसेंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि हाईवे या एक्सप्रेस वे पर ही आप अपनी गाड़ी की स्पीड को ज़्यादा रखें, अदरवाइज आप 55 to 80 किलोमीटर की स्पीड पर अपनी कार को चलाएं। तो अगर आप अपनी स्पीड को मेंटेन रखेंगे दोस्तों, तो आप पाएंगे कि आपके जो गाड़ी के टायर्स हैं वो उनकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, वो कम घिसेंगे और 2 से 3 गुना ज़्यादा चला पाएंगे आप उन्हें। तो आप कोशिश कीजिए कि बेवजह गाड़ी को ना भगाएं या किसी तरीके की स्टंटबाजी भी ना करें गाड़ी से। आइए दोस्तों, बात करते हैं तीसरी गलत आदत जिसकी वजह से हमारे कार के टायर जो हैं वो जल्दी ख़त्म हो रहे हैं। तो हमारी जो तीसरी गलत आदत है दोस्तों, हम अपने कार के जो हमारे टायर हैं, अगर हमारे टायर घिसे हुए हैं, जैसे कि मानो कि हमारी कार का आगे का लेफ्ट टायर घिस गया है, राइट टायर ठीक है, तो आप जो है एक नया टायर और एक घिसा हुआ टायर साथ चला रहे हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप दोनों आगे के सेम टायर, या तो अगर आगे का एक टायर 30% घिस गया तो कोशिश कीजिए कि दूसरा टायर भी 30% घिसा हुआ ही रहे, नया ना हो, उससे गाड़ी का बैलेंस और अलाइनमेंट ख़राब होता है। तो या आप दोनों टायर आके नए डलवाएं। तो अगर आप मैचिंग टायर नहीं चला रहे हैं साथ में, तब भी आपकी गाड़ी के टायर जल्दी घिसेंगे और उनकी लाइफ कम होगी। तो कोशिश कीजिए कि आप सेम तरीके के टायर साथ रखें। भाई दोस्तों, बात करते हैं अपने चौथे इंपॉर्टेंट टिप की जिसके थ्रू हम अपने कार के जो टायर हैं उनकी लाइफ को एनहेंस कर सकते हैं। तो जो हमारा चौथा इंपॉर्टेंट टिप है दोस्तों, उसमें हमारे जो कार के टायर हैं हमें उन्हें एक्स फॉर्म में हर 10,000 पर हमें उन्हें रिप्लेस करना है दोस्तों। तो इसे आप ऐसा समझिए जैसे कि आपकी गाड़ी का लेफ्ट टायर है वो पीछे राइट साइड में जाएगा और जो पीछे का लेफ्ट है वो आगे राइट साइड में जाएगा। तो एक्स फॉर्म में हमें अपनी गाड़ी के टायर हर 10,000 पर उन्हें चेंज करना है। तो इससे हम पाएंगे कि हमारी गाड़ी के जो टायर हैं वो जल्दी नहीं घिसेंगे और उनकी लाइफ 2 से 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं पांचवें इंपॉर्टेंट टिप की। तो दोस्तों, अगर आप अपनी कार को वीकली इंस्पेक्ट नहीं करते हैं तो आप इस हैबिट को अपने अंदर डेवलप कीजिए कि आप वीकली अपनी कार के टायर्स को इंस्पेक्ट करेंगे, उन्हें देखेंगे। आपकी गाड़ी जहाँ भी पार्क होती है वहाँ से निकालने से पहले आप अपनी गाड़ी के टायर को देखेंगे कि कोई नुकीली चीज़ तो उनके अंदर नहीं है, या किसी प्रकार का कोई कील या टायर्स के थ्रेड तो नहीं निकल रहे हैं, या वो कहीं से कट तो नहीं रहा है। तो आप अगर अपने टायर को वीकली आप चेक करेंगे तो आपको अपने टायर की सही जानकारी होगी कि कितनी उनकी लाइफ रह रही है, कितने वो घिसे हैं। तो आप इस हैबिट को दोस्तों डेवलप कीजिए कि आप अपनी कार के जो टायर्स हैं समय समय पर चेक करते रहें
और उनके अंदर एयर प्रेशर मेंटेन रखें। तो दोस्तों जो सिक्स्थ हैबिट है जिसकी वजह से हमारे कार के जो टायर्स हैं उनकी लाइफ कम होती है और बहुत से लोग इस पर ध्यान नहीं देते, तो वो ये है कि बहुत से लोग अपनी कार का अलाइनमेंट नहीं कराते हैं, व्हील बैलेंसिंग नहीं कराते हैं समय समय पर। तो हमें समय समय पर ये ध्यान रखना है कि हमारा जो व्हीकल है वो हमारा अलाइन है और उसकी व्हील बैलेंसिंग भी ठीक है। तो इसका चेक करने का सिंपल सा तरीका दोस्तों, जब आप कार अपनी ड्राइव कर रहे हो कहीं खाली रोड हो तो आप थोड़ी देर के लिए अपना स्टेयरिंग छोड़ के देखेंगे। अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा लेफ्ट जा रही है या ज़्यादा राइट जा रही है तो समझिए आपकी व्हील अलाइनमेंट ठीक नहीं है, कार का अलाइनमेंट ख़राब है और व्हील बैलेंसिंग भी ठीक नहीं है। तो समय समय पर आपको व्हील बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट कराना है अपने व्हीकल का। और अगर ये हैबिट आप डेवलप करेंगे तो आप पाएंगे आपके जो कार के टायर्स हैं वो 2 से 3 गुना ज़्यादा चल रहे हैं और उनकी लाइफ अच्छी हो गई है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जिसके थ्रू दोस्तों आप अपनी कार के टायर्स की लाइफ एनहेंस कर सकते हैं। तो आपको वीडियो दोस्तों पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो वीडियो को आगे आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे भी इस तरीके की वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहेंगी।